नमस्कार दोस्तों, संजीवनी टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से अनियमित मासिक धर्म, पीरियड का कम बेसी होना, बंद होना, या खून ज्यादा जाना या कम जाना, मैं उन सब विषय में आज आपको मैं जानकारी दूं। आप देखिए, ये आदि है जिसको हम लोग अदरक बोलते हैं, बाजार में इसका सूखा भी मिलता है जिसको हम लोग सोट बोलते हैं, और सोट पाउडर भी बाजार में मिलता है जो आपको पीसने का झमेला नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, जैसे मैं चाय का रेसिपी बताई वैसे ये दूध को आप गैस में बैठा दीजिए, उसमें आप आधा चम्मच सोट पाउडर डालिए और चीनी नहीं लेना है, इसको डालना है। डालने के बाद आप 2 मिनट इसको पका लीजिए, पका कर आप सुसुम गर्म कीजिए और पी लीजिए। सेम प्रोसेस 1 महीना के अंदर, या हो सकता है बहुत आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो तो 2 महीना, 2 महीना में आपको ये मासिक धर्म का जो आगे पीछे डेट होता है ना, 20 दिन में हुआ, 25 दिन में हुआ या 40 दिन में हुआ, ये डेट वाली समस्या तो आपकी समाप्त हो जाएगी। ये मैं दूध ली हूँ, सुसुम गर्म दूध है, और ये है अजवाइन पाउडर। आप इतना सा अजवाइन पाउडर लीजिए और दूध में आप घोल लीजिए, घोल कर पीना इसको चालू कीजिए। आप 1 से 2 महीना पीजिए। इसको पीने से आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत सी बहनों में या बहुत सी स्त्रियों में एक कॉमन समस्या होती है, पीरियड के दौरान बदबू होना, सही से स्मेल जैसा आना, या थक्का जैसा ब्लड निकलना, या बहुत कमजोरी फील होना, ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। आप बेसी नहीं, आप 1-2 महीना पीजिए और फिर आप खुद फील कीजिएगा कि आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं। मैंने 2 टिप्स तो दूध पे दी हूँ, हो सकता है आपको दूध चाय दोनों पीना पसंद नहीं हो, या दूध चाय आपको सूट ही नहीं करता, तो उस महिलाओं के लिए भी मैं एक टिप्स लाई हूँ। ये मधु है और ये गोलमिर्च पाउडर है, दोनों को मिलाकर पीना चालू कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका पीरियड बंद है या जो नहीं हो गया वो भी प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। साई बीमारी का जड़ हार्मोन डिसबैलेंस का होना और खून का कम बेसी होना। खून नहीं होना तो पीरियड नहीं होना, खून बेसी होना तो ब्लड बेसी होना, बहुत सारी प्रॉब्लम है। उन सब का एक ही सलूशन है, एलोवेरा का जूस। ये मैं एलोवेरा का पत्ता लेकर आपको दिखा रही हूँ, आप रामदेव महाराज का पतंजलि का जूस है, आप उसको लीजिए, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आपको 5 ml खाली पेट आपको पानी में घोलना है और गटक जाना है। इससे क्या होगा, आपका हार्मोन बहुत अच्छी होगी और जो आपका मासिक धर्म का समस्या है, कम बेसी होना या नियमित होना, वो भी सब समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय शायद आप लोग ने कभी सुना भी नहीं होगा। आज मैं जो आप लोग को उपाय बताऊंगी, इसके बाद आप लोग जानेंगे कि ये कॉफी का मतलब क्या है और कॉफी हम लोग के शरीर में क्या बेनिफिट दिखाता है, और ये बहुत जादुई उपाय है। ये हम लोग के घर में सभी महिलाएं करती है, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे हम लोग हो, अब बहुत मज़ेदार उपाय है। देखिए, ये कॉफ़ी है। अब कॉफ़ी का क्या भूमिका है, सबसे ज़बरदस्त भूमिका, जैसे हम लोग हिंदू धर्म से हैं, दुर्गा पूजा आता है, दुर्गा पूजा आए या तीज त्यौहार आए तो हम लोग को महिला लोग को व्रत करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, वही समस्या होती है उस दौरान। और उस दौरान एक भयंकर चिंता होती है प्रत्येक महिला को, कहीं मैं पूजा के दौरान में पीरियड नहीं हो जाऊँ। उसके लिए बहुत से महिला जिनको नॉलेज नहीं होता है वो लोग डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन लेती है, और जो कि ये मेडिसिन हम लोग को पीरियड को कम करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जो महिला ये मेडिसिन खाती है उनका ओवरवेट भी होना चालू होता है, हार्मोन डिसबैलेंस भी होना चालू होता है। अब क्या किया जाए, हमको दवा नहीं खाना है, हम लोग का तो माँ कभी हम लोग को दवा खिलाई भी नहीं है, ना कभी मेरी नानी मेरी माँ को दवा खिलाई है। हाँ, हम लोग एक चीज़ खाते हैं, ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी को कैसे खाना है, समझ लीजिए 5 तारीख को आपका पीरियड का डेट है और आपको 5 का ही कोई इम्पोर्टेंट काम है, शादी है, पार्टी है, या खुद आपका मंगनी है, आपको बहुत चिंता है, चलो मैं दवा खा लूँ, नहीं तो 5 तारीख को मैं पीरियड हो जाऊँगी तो मेरा सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा, पूजा पाठ खत्म, डांडिया जाना खत्म, क्या किया जाए। आप 25 तारीख से ही कॉफ़ी पीना स्टार्ट कीजिए,
आप दूध में डालकर पीजिए, मिल्क में डालकर पीजिए, कॉफी सेक बना कर खाइए या कॉफी का कोई भी वैसे पी खाइए, आपको कॉफी खाना ही खाना है, बेसी नहीं खाना है, दिन भर में एक ही बार खाना है आपको, बस इतना सा कॉफी आप लीजिए, दूध में चीनी देकर घोलिए, पीना स्टार्ट कीजिए। 5 दिन 6 दिन बहुत जो 7 दिन ये अजमाया हुआ उपाय है, आप पीरियड हो जाएंगे, आपका समस्या खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए आप 5-10 दिन पहले से लेना स्टार्ट की और आपका 5 दिन बाद आपका पीरियड आ गया और जो आपका 5 तारीख को डेट था शादी में जाने वाला या प्रोग्राम में जाने वाला या पूजा आने वाला, ये डेट से आपको मुक्ति मिल जाएगा। बस ये पीगोगे आपको 10 दिन पहले से स्टार्ट करना होगा। आप मेरी बात समझ गई, 5 को पार्टी में जाना है तो ये प्रयोग हमको 25 तारीख से करना है, या 5 को अगर आपका नवरात्र लग गया है तो ये प्रयोग हमको 25 से करना है। 25 से करेंगे 25, 26, 27, 28 28 को मैं तो पक्का पीरियड हो जाऊंगी, उसके बाद 3-4 दिन आप माता धोइएगा 5 तारीख तब आप एकदम निश्चिंत आजाद, अब आराम से पार्टी जाइए, घूमिए फिरिए, कोई टेंशन नहीं, आप दवा का सेवन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मासिक धर्म के विषय में मैं एक और समस्या का बात करती हूँ, पेट का दर्द होना या पेट बहुत मरोड़ना। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, या बहुत सी महिलाएं, या जिन बच्चियों का अभी नया नया स्टार्ट हुआ है 13 साल 14 साल का उम्र में, पेट दर्द होता है, इतना जबरदस्त दर्द होता है, और उसी दौरान उल्टी होना, आपका पतला दस्त होना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो लोग माँ बाप क्या कहते हैं, उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर बाबू मेरी बेटी को भूमि हो गया, लैट्रिन हो गया, या मेरी बेटी को बहुत पेट में दर्द है, आप जल्दी से दवा दीजिए, बैलगन खा लिया, पेन किलर खा लिया। आप ऐसा अपने बच्ची के संग नहीं करें, इससे क्या होगा, वो जो दवा खाई उनको सारा जीवन वो दवा खाना होगा। उस समय हम लोग की हार्मोन चेंज होती है। पहला टिप्स, आप सोचिए कि ये आपके बच्चे के संग या आपके संग ऐसा क्यों होता है, उस दौरान हम लोग का हार्मोन चेंज होता है, ये फालतू हार्मोन चेंज नहीं होता, ये हम लोग का गुड बैलेंस वाला हार्मोन चेंज होता है, सेक्सुअली बॉडी हम लोग का चेंजिंग लेता है। जैसे हम लोग मोबाइल में फॉर्मेट मारते हैं ना, मेरा मोबाइल हैंग हो गया, चलो फिर से उसको लगा कर उसको फिर से फॉर्मेट मार दे, चालू हो जाएगा, तो हम लोग का बदन भी कुछ ऐसा नेचुरल जो भगवान ने दिया है वो नेचुरल चेंजिंग आता है। तो क्या किया जाए, बहुत भारी समस्या होती है, या तो दवा खाओ, तो 2-4 घंटा में दवा भी तुरंत काम नहीं करता, जितना भी आप अच्छा दवा खा लो 2-4 घंटा तो नाचना चाहिए देना। लेकिन इष्टन आयाम के लिए क्या किया जाए, आपको मैं बताती हूँ। आजकल हॉट बैग बाजार में मिलता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक हॉट बैग है, इसमें कुछ जेल डाला हुआ है और ये बहुत अच्छा बैग है, इसका दाम भी बहुत कम है, 250 रुपया में आपको मॉल में मिल जाएगा, मैं खुद लाई हूँ। ऐसे आप प्लग डालिए इसमें और इसको ऑन कर दीजिए, यहाँ पे एक लाल बत्ती जलेगा, जब लाल बत्ती ऑफ हो जाए तो समझ लीजिए आपका ये बैग जो है काम करने के लिए चालू हो गया है। अब इसको क्या करना है, नाभि के नीचे वाला जो भाग हम लोग का होता है जिसको हम लोग कोख बोलते हैं, उस तरफ इस बैग को रखना है अच्छी तरह से, ऐसे घुमा घुमा के, समझ लीजिए ये मेरा नाभि है, मैं यहाँ इसको प्रेशर की, यहाँ प्रेशर की, यहाँ प्रेशर की, कमर के तरफ बहुत महिला लोग का पेन होता है उसको घुमा कर पीठ के तरफ उसको सेका। आपकी बेटी को ये अगर पहली बार पीरियड हो गई है तो आपको ये प्रॉब्लम तो झेलना ही होगा, तो उसको ऐसे सेका, आप देखिएगा कि आपका बच्चा 1-2 घंटा में बोलेगा कि मम्मी हमको दर्द से मुक्ति मिला, बहुत उसको आराम होगा। हाँ, जो उसको उल्टी भूमि हो गया या उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, चलिए पेट दर्द से तो मैं मुक्ति बता दी, अब उसको उल्टी भूमि हो गया, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, या आपका बच्चा एकदम हैरेसमेंट फील कर रहा है कि क्या किया जाए, उस समय माँ बाप को भी देख कर बहुत तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा को मैं क्या करूँ, कौन सा दवा खिला दूँ कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाए, आप ऐसा मत कुछ कीजिए, उसको या तो चाय पिला दीजिए, अगर आपका बच्चा चाय पीता है तो चाय पिला दीजिए, अगर आपका बच्चा चाय नहीं पीता है तो उसको गर्म दूध पिलाइए, थोड़ा सा हल्दी डालकर, गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी डालिए, हल्का सा सोल्ट पाउडर डालिए और बच्चा को आस्ते आस्ते पीने बोलिए, ये दूध पीते 20 से 25 मिनट पे ना उसका जो पूरा बॉडी डिसबैलेंस था वो ठीक होगा। अगर आपका बच्चा का बहुत उस दौरान पतला दस्त हो गया तो क्या करें, उसको पतला दस्त हो गया उस समय आप उसको थोड़ा सा नमक चीनी का घोल उसको पिलाइए, अगर वो भी आपका बच्चा नहीं लेने मांग रहा है या उसको पसंद नहीं है तो थोड़ा सा डाब का पानी पी लेंगे, अगर वो भी आपका बच्चा अगर ना कहता कि हम ये सब नहीं खाएंगे मेरा मूड नहीं है, उस समय औरतों लोग में चिड़चिड़ापन भी बहुत होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वायरस हम लोग एक साथ जिंदा होती है, अगर आपका बच्चा कुछ नेगेटिव आपके संग हरकत कर रहा है तो उसको मीठा पानी खिलाइए, जैसे मैंने सोट फूल का एपिसोड दिया है इस सब वीडियो में, इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर या मधु उसको खिलाइए, देखिएगा उसका जो नेगेटिव थॉट है ना वास्ते आस्ते 10 से 15 मिनट पे वो बहुत बेटर फील कर रहा है, अगर कॉफ़ी पी ले तो बहुत ही बेटर है,
अगर कॉफ़ी आप उसको कोल्ड कॉफ़ी में आइसक्रीम उसक्रीम डालकर भी थोड़ा पिला दीजिए फुसला कर उसको, तो देखिएगा उसका नेगेटिव फीलिंग खत्म हो जाएगा। ये पीरियड के दौरान होता है, या तो इंसान नेगेटिव जाता है या तो पॉजिटिव जाता है। मैं इसमें भी आगे भी ले जाऊंगी कि बहुत से महिला है, जैसे मुझसे फेसबुक में एक महिला ने बात किया कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, मेरा मूड बहुत ऑफ रहता है, उसका हार्मोन डिसबैलेंस के कारण से ऐसा हो गया। ये बहुत लंबा वीडियो है, मैं इस विषय में पीरियड के विषय में मैं और भी आगे समझाऊंगी कि आप क्या ऐसा कीजिए कि जो आपका बॉडी डिसबैलेंस नहीं हो। ये सब तो हम भी लोग भोग चुके हैं, ये सब हम लोग के भी साथ हुआ है, ऐसा बात नहीं हम लोग के साथ नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी आता है कुछ होम रेमेडी जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। खैर आप लोग कीजिए, फिर आपको कैसा फील हुआ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आगे भी आप लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।